स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सीखे में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेल XPS 17 लैपटॉप जो कि इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है, इसके सारे स्पेसिफिकेशन और क्या प्राइस के साथ ये लॉन्च हुआ है सारे कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। तो यहाँ आपको डिस्प्ले में सबसे हाईलाइटिंग फीचर यही दोस्तों कि आपको डिस्प्ले मिलता है 17 इंच का, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। 17 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले आपको देखने मिल रहा है। इन्फिनिटी एच एंटी क्लियर डिस्प्ले है। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है और ब्राइटनेस दोस्तों 500 नेट्स की है, जो कि मोर देन इनफ है। और ये डिस्प्ले जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी भी इसका अच्छा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप है वो, क्योंकि इसमें आपको i7 10th generation देखने को मिल जाता है और 16 GB का आपको रैम देखने को मिलेगा। और इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है GTX 1650 Ti का, और जो कि DDR4 पे है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। और साथ में आपको SSD 1 TB का दिया गया है, जिससे कि आपका लैपटॉप और भी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये लैपटॉप ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर 2.5 W का स्टीरियो बूफर देखने को मिल जाता है स्पीकर में, और एक और दो 2.5 W का ट्विटर देखने को मिल जाता है, जिससे कि मीन्स एक होम थिएटर जैसा आपको फीलिंग देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब यहाँ बैटरी की बात किया जाए तो आपको मिलता है 97 Wh की बैटरी, जो अब तक का मुझे जहाँ तक लगता है हाईएस्ट है। मीन्स 97 Wh की बैटरी बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों, और ये मीन्स आप गेमिंग में करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात किया जाए तो आपको मिल जाता है वाईफाई 6 का सपोर्ट, साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का भी सपोर्ट। और दोस्तों यहाँ पर टोटल 4 थंडरबोल्ट पोर्ट्स दिए गए हैं, एक फुल साइज़ SD कार्ड रीडर और 3.5 mm जैक का भी यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। वेट की बात किया जाए तो ये ज़्यादा नहीं, 2.1 kg का ही है, जो कि इनफ है, जो कि ठीक है दोस्तों। लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं है, और आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर कीबोर्ड मिलेगा, बट मीन्स एक कार्बन फाइबर टाइप आपका कुछ दिया है जो कि आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ बैकलाइट कीबोर्ड भी है, ठीक है, और कीबोर्ड यहाँ पर बैकलाइट है, जो कि अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्राइस की तरफ, तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये लैपटॉप का प्राइस आपको यहाँ पर शो कर रहा है 2,09,500, ठीक है, ये इसका बेस वेरिएंट है। बट अमेजोन पे जो लिस्टेड हुआ है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, अमेजोन डेल इंडिया वेबसाइट और डेल के जितने भी एक्सक्लूसिव शोरूम सब हैं वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये आपको 2,09,800 वेरिएंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अमेजोन पर भी आपको लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इसका। तो ये जो है आपको 4 GB का ग्राफिक्स मिल जाता है, ठीक है, साथ विंडोज़ 10 तो आपको प्रीलोड मिल जाता है, साथ में MS ऑफिस भी आपको मिल जाता है। और ये 16 GB वेरिएंट है तो इसका प्राइस थोड़ा हाई है। 16 GB वेरिएंट का दोस्तों प्राइस यहाँ पर 2,27,264 रुपया यहाँ पर है, ठीक है। और ये काफ़ी बेहतरीन लैपटॉप है दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये एक इसमें आप गेमिंग काफ़ी बढ़िया कर पाएंगे। ये 1 TB का आपको SSD मिल जाता है, 4 GB का आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, मीन्स गेमिंग वगैरह भी आप इसमें काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो कहा था कार्बन फाइबर पाम रेस्ट आपको दिया गया है, मीन्स जो पाम रेस्ट होने वाला है दोस्तों वो भी कार्बन फाइबर का है, जो कि अच्छी बात है। तो इस तरह से ये लैपटॉप है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लैपटॉप आप नीचे मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। कोई सा भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।